संपद दृष्टि से श्रोत्र की उपासना। जो संपद को जानता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र संपद है, श्रोत्र में ही ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न है। जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। जो भी संपद को जानता है अर्थात संपद गुणवान को जानता है उसे यह फल मिलता है, उस विद्वान को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? जिस भोग की वह इच्छा करता है वह भोग। अच्छा तो संपद गुण युक्त क्या है? श्रोत्री संपद है, किंतु श्रोत्र का संपद गुणत्व किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। श्रोत्र के रहते ही संपूर्ण वेद सब प्रकार निष्पन्न होते हैं, क्योंकि वे श्रोतेन्द्रियवान द्वारा ही अध्ययन किए जा सकते हैं, और भोग तो वेद विहित कर्मों के ही अधीन है, इसलिए श्रोत्र संपद है। अतः विज्ञान उपासना के अनुरूप ही फल मिलता है। जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे मिल जाता है।